आप देख रहे हैं सम्मान लाइव। मैं हूं ममता तिवारी और लेकर हाजिर हूं भोजपुरी इंडस्ट्री सिनेमा से जुड़ी वो खबरें जिनसे अभी तक आप हैं अनजान। ईद के मौके पर काफी सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होंगी। इनमें से एक फिल्म है बॉलीवुड के हीरो सलमान खान, जिनका नाम है फिल्म का भारत। इस फिल्म में कैटरीना कैफ के साथ सलमान खान की जोड़ी नजर आएगी। तो वही भोजपुरी सिनेमा की अगर बात करें तो सुपरस्टार खेसारी लाल की फिल्म, इस फिल्म का नाम है कुली नंबर वन, जिसके प्रमोशन में ये जोड़ी बिहार में लगातार पिछले कुछ दिनों से प्रेस कॉन्फ्रेंस और लोगों के बीच कर जाती बात करती नजर आई है। तो वही एक और नई फिल्म के रिलीजिंग की जानकारी हमें मिली है और वो फिल्म है पवन सिंह की। पवन सिंह की फिल्म का नाम है मैंने इनको सजन चुन लिया, जो काफी लंबे समय से बनकर तैयार थी लेकिन किसी कारणवश रिलीज नहीं हो पा रही थी। लोगों ने कहा कि इस फिल्म पर सेंसर बोर्ड की थोड़ी परेशानी है, थोड़ी आपत्ति है, जिस कारण फिल्म रिलीज नहीं हो पा रही है। लेकिन फिल्म अब रिलीज हो रही है मैंने उनको सजन चुन लिया। इसके गाने भी रिलीज होने लगे हैं के बाद एक सोशल मीडिया पर। फिल्म कल ही सिनेमाघर में रिलीज हो रही है। सबसे खास बात यह है कि पवन सिंह के साथ भी इस फिल्म में काजल राघवानी है, यानी अपनी ही दो दो फिल्मों के साथ इस बार सिनेमा घरों में और बॉक्स ऑफिस पर काजल राघवानी टकराने वाली है दो अलग अलग हीरो के साथ। अगली खबर की ओर रुख करते हैं, जो जुड़ी है जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ से। काफी लंबे समय से भोजपुरी की फिल्म रिलीज नहीं हुई सिनेमाघरों में, इसलिए कुछ दिनों पहले ही निरहुआ की फिल्म रिलीज हुई थी, जो अभी तक सिनेमाघरों में लगी हुई है। खासकर मुंबई और बनारस के सिनेमाघरों में निरहुआ की फिल्म सैयद अगवाज को बहुत सारा प्यार मिल रहा है। सैयद अगवाज फिल्म में निरहुआ के साथ अंजना सिंह नजर आएंगी। फिलहाल आम्रपाली के साथ रांची में शूटिंग करने पहुंचे हैं निरहुआ। एयरपोर्ट पर दोनों को एक साथ स्पॉट किया गया है। हालांकि कौन से फिल्म की शूटिंग रांची में होगी पटना के बाद, ये कहना फिलहाल मुश्किल है, लेकिन बहुत जल्द निरहुआ के बीच एक अलग धमाका भी करने वाले हैं। अगली जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वो जुड़ी है सुपरस्टार पवन सिंह से और पीएम नरेंद्र मोदी से। आप लोग जानते होंगे कि 23 मई के परिणाम आने के बाद बीजेपी ने जीत हासिल की। पीएम नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बने। इस खुशी में उन्हें बधाई देते हुए काफी सारे भोजपुरी इंडस्ट्री के सिंगरों ने अपनी तरफ से गाने बनाए और गाने गाए भी। सोशल मीडिया पर भोजपुरी में गाए हुए उन सारे गानों को बहुत अच्छा प्यार मिला है। लेकिन इस बीच सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला गाना, सबसे ज्यादा देखा जाने वाला गाना, जिसके व्यूज भी हाईएस्ट हैं, वो दो गाने हैं पवन सिंह के नाम के। पवन सिंह की आवाज में नाम है एक सप्ताह में सुना गया भारत माता बेटा है। 5 मिलियन लोगों ने एक सप्ताह के अंदर इस गाने को सुन लिया। दूसरा गाना है विजय भैले मोर ललनवा, इसे भी 4 मिलियन लोगों ने अभी तक सुन लिया है, जिसके बोल है शपथ लिख ले हमार मोदी जी। ये तीसरा गाना है जिसे 10 लाख लोगों ने सुन लिया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने कम समय में इतने ज्यादा व्यूज हासिल होना, यानी लोगों की पसंद में पवन सिंह का ये गाना आ रहा है। अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं जल्दी से और जान लेते हैं अगली खबर है क्या। और अगली खबर जुड़ी है जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ की मोस्ट अवेटेड फिल्म, जिसका नाम है लल्लू की लैला। पिछले साल से ही इस फिल्म का नाम फिल्मी गलियारों में और भोजपुरी दर्शकों के बीच गूंज रहा था। इन दिनों भोजपुरी इंडस्ट्री के सारे कलाकार अपनी पर्सनैलिटी, अपने लुक को लेकर काफी ज्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं, इसलिए अपनी हर फिल्मों में वो अपने अलग अलग अंदाज से लोगों का दिल जीतना नहीं भूलते। इनमें आजकल सबसे ज्यादा आगे निकले हैं दो कलाकार, जिनकी तस्वीरों को और वीडियो को सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। इनमें से एक है सुपरस्टार खेसारी लाल यादव, जिनकी बॉडी बनाते हुए जिनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा की गई और लोगों ने उस वीडियो को बहुत पसंद किया। दूसरी है इंडस्ट्री की क्वीन रानी चटर्जी, जिनकी फिटनेस की एक एक वीडियो लोग खासा पसंद करते हैं। अपना वजन काफी कम कर लिया है रानी चटर्जी ने। खैर अगली और आखिरी खबर हम जान लेते हैं और ये खबर जुड़ी है इंडस्ट्री की आइकन क्वीन अक्षरा सिंह से, क्योंकि अक्षरा सिंह की हर फिल्मों पर और गानों पर लोगों की नजर बनी रहती है। तो हम उनकी एक फिल्म से भी जुड़ी एक खास जानकारी लेकर आए हैं, क्योंकि काफी लंबे समय से अक्षरा सिंह की कोई भी फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज नहीं हुई है। सुनने में आया है कि बहुत जल्द उनकी फिल्म लव मैरिज रिलीज होने वाली है। तो आज के इस खास रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। कल फिर लेकर हाजिर होंगे ऐसे ही भोजपुरी
हथियारों से जुड़ी कुछ ताजा तरीन खबरों और जानकारियों को लेकर। लेकिन तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए सन्मार्ग लाइव के साथ। नमस्कार।